किस तरह हम इलेक्ट्रोड को चेंज करते हैं। तो आपके पास लंकी ये ऑलरेडी मशीन के साथ आएगा लंकी, तो हम क्या करेंगे अभी तो ये चेंज करने का नौबत इतना नहीं आया है, जब यूज करेंगे तो इसमें ब्लैक ब्लैक सा धब्बा सा आ जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को आराम से खोल लेंगे हम। अब ये देखिए ये तो ये निकल गया, अब इसके बीच में गैप कम है, गैप ज़्यादा करने के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहेगा ये नट, इस नट को आप क्या कीजिए ओपन कीजिए। देखिए आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, देखिए इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितना इसको नट को ढीला करेंगे उतना आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, इसी तरह हम इसको नीचे वाले को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा अगर ऊपर नीचे जो भी कर डिस्टेंस लेना है आपको, ये आप आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड को चेंज करेंगे, इसके बीच में हम गैप डालेंगे। और दूसरा ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा आपको, जब आप इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं तो दोनों का सेंटर मैच करना होगा, ऐसा नहीं ये आप देखिए ये जो अभी है ये जो कन्वेयर एकदम जस्ट टच है, इसको मैं यहाँ कर दूंगा ऐसे, तो ऐसे में स्पोर्ट नहीं करेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे होना चाहिए और ये यहाँ पे, ये दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा आपको, अगर ये है टच है तो हल्का ये भी टच लाना पड़ेगा हल्का ऐसे, ये इक्वल डिस्टेंस में होगा, अगर इक्वल डिस्टेंस में नहीं है तो आपका ये स्पोर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड को हम चेंज करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको इलेक्ट्रोड परचेज करने हैं स्पेशल, तो भी उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।